शहर कतरास का एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में, जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहां पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोप्राइटर श्री विजय राजगढ़िया। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में। मैं ध्रंजिला आपके साथ। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के द्वारा पूरे जिले में शराब और जुआ के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि अभी लगातार अवैध शराब और जुआ के खिलाफ छापेमारी अभियान चल रहा है, जिसमें हजारों लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया है। इसी बीच आज सूचना मिली थी कि झरिया के कोड़िया पट्टी में लोग भ्रम फैला रहे थे कि छापेमारी बंद हो गया। मात्र 7 दिनों का अभियान था, जिसको लेकर एक जगह जमा होकर देसी और इंग्लिश शराब बिक्री कर रहे थे। इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित किया और उस जगह का घेराबंदी करते हुए छापेमारी किया गया, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ लोग भागने में सफल रहे। वहीं पकड़े हुए लोगों के निशानदेही पर भागने वालों पर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं देसी शराब सहित इंग्लिश शराब भी जब्त किया गया। फिलहाल पकड़े गए 3 लोगों को कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। वहीं लगातार छापेमारी अभियान चलाई जाएगी। लोगों को पता है कि अभी लगातार जो है अवैध शराब और जुआ का खिलाफ अभियान चल रहा है। हमारे वरीय पदाधिकारी महोदय के भी आदेश है कि खास करके पर्व त्योहार को देखते हुए जुआ और शराब के विरुद्ध जो भी नशा से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ लगातार अभियान, और पिछले 6 दिनों से लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए हैं, जिसमें हजारों लीटर जो है शराब महुआ को विनष्टीकरण किया गया। और इसी बीच में आज सूचना मिली थी कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि छापामारी बंद हो गया, जो है 1 सप्ताह का छापामारी था वो बंद हो गया, ये हम लोग की सूचना मिली। और कुछ लोग खास करके जमा हो करके देसी और अंग्रेजी शराब बिक्री कर रहे हैं, और कुछ पीने वाले लोग भी जमे हुए हैं, जिसमें 15-20 लोगों की सूचना थी। इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किए और चारों तरफ से घेराबंदी करके हम लोग छापामारी की तो मौके वारदात पर 3 लोग पकड़े गए, बाकी लोग भागने में सफल हुए। 3 लोगों का जो स्टेटमेंट आया है उसमें जो भागने वाले का जो नाम है उसका जिक्र किया गया है, जिसको हम लोग अनुसंधान के अंतर्गत जो है उस पर सत्यापन करेंगे और उन लोगों के विरुद्ध जो है निरंतर कार्रवाई करेंगे। अब इसमें करीब 120 लीटर देसी महुआ शराब बरामद हुआ है और 5 बोतल जो है वो दिलकुश मसालेदार शराब जो बोलेंगे, और 25 जो नीब या जो भी पॉइंट बोलते हैं इसको, उसमें 25 cc वो बरामद हुआ है। इस जो है प्राथमिकी पंजीकृत कर हम लोग निरंतर कार्रवाई करेंगे और छापामारी जो है आने वाले समय में ही जारी रहेगा। छापामारी कहाँ गई सर, कहाँ से बरामद होगी? ये आपका 4 नंबर कोरिया पट्टी एक जगह है जो इन चीज़ों के लिए काफ़ी बदनाम जगह है, वहीं छापामारी की गई थी। काफ़ी संकीर्ण रास्ता है और जिक जैक रास्ता है, लेकिन चूंकि हम लोग को पूर्व में सूचना मिली थी, हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम किए, जिससे सफलता मिला। क्या गिरफ्तारी भी हुई सर? हाँ, 3 गिरफ्तारी हुई है मौके वारदात। नाम? 3 गिरफ्तार है, अजय यादव, छोटू कुमार और चंदन मंडल, जो पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। इवन कि अजय यादव जो है मर्डर केस में जेल जा चुका है, और छोटू कुमार सिमुरिया, चंदन मंडल पूर्व में भी शराब बेचने और आपके मारपीट के केसेस में, चोरी के केसेस में पूर्व में भी लोग जेल जा चुके हैं। खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।